रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मराठा रिजर्वेशन के बारे में देश देशांतर के अंदर बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो मराठा में क्या है, मराठा मतलब महाराष्ट्र में मराठा लोगों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र में मराठा को जो रिजर्वेशन मिला है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 50% है। जैसा कि आपको पता है इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है रिजर्वेशन के बारे में कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 50% से ज़्यादा होता है तो आर्टिकल 16(4) के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है इसका वायलेशन है। तो इंदिरा गांधी का जजमेंट को रिव्यू करने से भी मना कर दिया है, यही कंटेक्स्ट है, और 5 जजेस की बेंच ने इसको रद्द कर दिया है जो ब्रीच कर रही थी मराठा में। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर कहा गया है कि पहले जो चल रहा था वो चलता रहेगा, जी उनको निकाला नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि 2018 में इसने किया था महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में किया था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 102 अमेंडमेंट हुआ था आपको याद हो तो, ये भी रिजर्वेशन से संबंधित था। यहाँ पर क्या था, आर्टिकल नंबर 342A एक इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 342A। इसके अंदर कहा गया कि स्टेट अगर चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा और गवर्नर हिसाब से देखेगा कि बात वास्तव में इकोनॉमिक रूप से, सोशियो रूप से किस तरह से कंडीशन, क्या दिक्कत है। तो 102 के से रिलेटेड अमेंडमेंट इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा अमेंडमेंट, आर्टिकल 342A। ये दो तीन बातें हैं ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू, थैंक यू।